जिला सलाहकार समिति की विशेष बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण एवं विभिन्न सरकारी रोजगार परक ऋण योजनाओं के आवंटित लक्ष्य को 100% पूरा करने के निर्देश बैंकर्स को दिए गए तथा यह भी निर्देशित किया गया कि विभिन्न शासकीय रोजगार परक ऋण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर लीड बैंक ऑफिसर रामबदन सोनकर ने बताया कि 16 से 30 अक्टूबर के मध्य पूरे जनपद में बैंकों द्वारा कैंप आयोजित कर शासकीय योजनाओं से लंबित प्रकरणों के निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा 28 अक्टूबर को बैंकर्स अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, बाबा साहब अंबेडकर योजना आदि योजनाओं से संबंधित लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि 28 अक्टूबर को जिन बैंकों की रिपोर्ट अच्छी पाई जाएगी या 100% लंबित पत्रावलियों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाएगा, ऐसे बैंकर्स को पुरस्कृत किया जाएगा तथा जिन बैंकों की प्रगति खराब पाई गई उनके विरुद्ध उच्च स्तर पर कार्यवाही हेतु पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 30 दिन से ऊपर लंबित मामलों की सूची शाखावार उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके दायित्व निर्धारित किए जा सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लीड बैंक ऑफिसर रामबदन सोनकर ने कहा, बढ़ भी सकता है, 16 से कर लीजिए, 16 से करिए, आप कैंप लगा लीजिए। हम तो अनुरोध करेंगे कि सारे बैंक एक एक कैंप अपना अलग से अगर ऑर्गेनाइज कर देंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। सर कैंप हम लगा चुके हैं, 16 आप जो लेना है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन और बढ़ाओ, आप बढ़ाओ, बढ़ाइए। अच्छा, इसी तरह से गवर्नमेंट स्कीम सारी स्कीम की बात मैं कर रहा हूँ। डी एम सर ने जब अभी 17-9 को जो मीटिंग करी थी उन्होंने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि 31-8-2021 तक जितने भी एप्लीकेशन आपके पास पहुंच चुके हैं आपके पोर्टल पे या मैनुअली जो भी कुछ स्कीम सैलरी ऐसी हैं जिसमें मैनुअली भी जा रहे हैं उसको, लेकिन अभी भी पोर्टल पर वो मैनुअली तो देख नहीं पाते हैं कि मैनुअल आपके पास क्या एप्लीकेशन है, लेकिन पोर्टल पर देखने से काफ़ी मात्रा में अभी भी एप्लीकेशन 31-8-16-10-18-10 नियर अबाउट 1.5 महीना बीत गया, सितंबर पूरा बीता और अब आधा महीना ये बीत गया, अब भी एप्लीकेशन या तो सेंक्शन हो नहीं करूँगा उसका टाइम है कि 1 महीने के बाद कृपया करके उसकी आधार सीडिंग जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग केवल इसलिए भटक रहे हैं कि उनकी आधार सीडिंग नहीं। ग्रामीण बैंक को छोड़ करके सारे लोगों का बायोमेट्रिक जब हो गया है तो वो जाकर बायोमेट्रिक से ही करें। इस प्रोग्राम जैसे मेगा कैंप का ही एक दूसरा रूप है, तो ये पिछली बार हुआ था 11-8 को हुआ था सर, ताकि सेक्टर के एडवांसेस हैं पूरा कवर करना है और गवर्नमेंट स्कीम के जितने भी स्कीम्स होती हैं सारे विशेषकर ये प्रोग्राम इसके लिए, तो हमारी पहली जो उन लोगों ने भी मैंने पूरा निकल कर लिया ऐसा नहीं बारह में आपने सभी विभागों के ने अपने अपना बता दिया SCP योजना प्रधानमंत्री मुद्रा सुनकर ये सब योजनाओं के बारे में इनको जानता ही है इसको बैंक को नहीं सबको जानकारी है सर। ये नई स्कीम अभी ये आई है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की स्कीम है, अभी जो 28 तारीख को कैंप बंद रहा है जैसा आपने निर्देश दिया था उसको पहले जो भी इसका करना है वो कल भी रहे हैं। मैं राम आधार सोनकर चीफ मैनेजर लीड बैंक गोरखपुर, ये SLBC के इंस्ट्रक्शन जो शासन से मिले हुए हैं उसमें 16 तारीख से लेकर के 16 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम पूरे UP में सभी ज़िलों में होना है किसी एक दिन में। अभी जो मीटिंग हुई है इसमें सभी बैंकर्स और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे और निर्णय लिया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज में और गवर्नमेंट के एडवांसेज में जितने भी लंबित आवेदन पत्र हैं उसका निस्तारण इसके 28 तारीख को जो सर ने के निर्देशानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है
बैंक पूरा कर लें, जिसमें ये सभी बैंकों ने एश्योर किया है कि हम जितनी भी पेंडेंसी अभी तक बची हुई है इसको 28 तारीख के पूर्व निस्तारित कर लेंगे। सर कोई मेला भी लगना है क्या? 28 तारीख को क्रेडिट कैंप लगने हैं जो सारे बैंकों का एक ही जगह पर लगेगा। अभी तक डिसाइडेड एनएक्सी में है, लेकिन समय चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक एनएक्सी में है।